Good morning class 8, how are you all? Hope you all are fit and fine. So students, I am here with a new chapter, chapter 12, friction. Okay, so in this chapter we are going to learn force of friction, factors affecting friction, friction a necessary evil, increasing and reducing friction, wheels reduce friction and fluid friction. Okay, so let's start. You might have seen a driver of a car or truck slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? Why do we sleep when we step on a banana peel? Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? You will find the answers to such questions in this chapter. So, students, इस chapter में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? जैसे कि आपने जब ट्रैफिक सिग्नल जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप गाड़ी आके रुकते हुए आपने देखे होंगे. इनफैक्ट आप लोग जो बाइसाइकिल चलाते हैं वो जब जरूरत पड़ता है साइकिल को रोकने की तो उसमें जो ब्रेक होता है उस ब्रेक को दबा के आप उस साइकिल को रोकते होंगे, राइट? तो क्यों रुक जाता है वो साइकिल या वो कार, कैसे रुकता होगा, ये सारे क्वेश्चन. देन सिर्फ कार ही नहीं बल्कि कोई भी चीज जब मूव कर रहा है, अब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना भी करो तो थोड़ी दूर जाके वो धीरे धीरे स्लो होते होते रुक जाता है. जैसे क्रिकेट मैच जब होता है आप देखते हो बॉल जब ग्राउंड से जाता है तो जाते वक्त थोड़ी दूर जाते जाते धीरे धीरे स्लो होते होते वो एक टाइम बाद रुक जाता है. जबकि आप बाहर से फोर्स अप्लाई ना करो तब भी वो रुक जाता है. या फिर बनाना पील जो होता है, केला का छिलका, उसके ऊपर पैर पड़ता है तो कभी कभार गिर भी जाते हैं आप लोग, राइट? कोई स्मूथ और गीला फ्लोर अगर हो तो उसमें भी चलने में हमें डिफिकल्टी होता है. तो ये सारे क्वेश्चंस जो है इसका आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेगा. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल, फिगर 12.2A. तो यहाँ पे एक्टिविटी 12.1 जो है इसमें देखो फिगर 12.2 जो है इसमें ए वाला जो फिगर है इसमें आप ऑब्जर्व करो. यू ऑब्जर्व दैट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस. आप जब एक बुक को पुश करते हो, धक्का लगाते हो, थोड़ी दूर जाके वो रुक जाता है, राइट? रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? This force is called the force of friction. तो इस एक्टिविटी के लिए आप बुक्स चाहे दूसरा कोई भी चीज आप ले सकते हैं, कोई टेबल के ऊपर रख के उसको पुश करने हैं तो आप पुश करोगे थोड़ी दूर जाके वो रुक जाएगा. आप चाहे तो ऑपोजिट डायरेक्शन से भी पुश करके देख सकते हो, थोड़ी दूर आके वो रुक जाता है. तो यहाँ पे आप रुकने के लिए इधर से आप पुश कर रहे हो लेकिन ऑपोजिट साइड से तो पुश नहीं कर रहे हो उसको रोकने के लिए, बट थोड़ी दूर जाके क्यों रुक जाता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक फोर्स जो है वो काम कर रहा है, राइट? अदरवाइज रुकना पॉसिबल नहीं था. जब हम इसको मूव करा दिए तो ये मूव करते रहना चाहिए था, राइट? तो यहाँ पे कोई एक फोर्स काम कर रहा है जो कि इसको रोक दे रहा है. तो ये जो फोर्स काम करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट. इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. तो ये जो books का experiment किए हैं, वो चाहे इस marker से अगर हम करें, तो इस marker से जब हम right side से push कर रहे हैं, तो कोई force ऐसा apply हो रहा है जो कि left से हो रहा है और इसको रोक दे रहा है. और वही आप left side से अगर force apply कर रहे हो, तो दूसरा कोई एक force जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें apply हो रहा है जो कि right side से हो रहा है. Clear? The force of friction always opposes the applied force. तो ये friction of force जो है
हमेशा फोर्स को दूसरे फोर्स को अपोज करता है, ओके, रोकने की कोशिश करता है। जब आप राइट साइड से इसको फोर्स दे रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स इसमें अप्लाई हो रहा है जो कि इस फोर्स को, जो आप दिए हुए फोर्स है इसमें पहले से उस फोर्स को वो रोकता है, ओके। इन द अबव एक्टिविटी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। तो अगर बुक से आप कर रहे हो या मार्कर से एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो यहां पे जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो किस पे एक्ट हो रहा है, ये जो सरफेस है जिसके ऊपर आप कर रहे हो, टेबल के ऊपर कर रहे हो तो टेबल का सरफेस, बेंच के ऊपर कर रहे हो तो बेंच का सरफेस, और जो ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो उसके लिए उसके जो लोअर सरफेस है, अगर बुक्स ले रहे हो बुक्स को अगर आप पुश कर रहे हो तो बुक्स का लोअर सरफेस और वो टेबल का जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस के बीच में ये फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है ये वर्क करता है, ओके। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सरफेसेस, डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है, ये क्या सारे सरफेस के ऊपर इक्वली वर्क करता है, क्या सारे सरफेस जो भी जैसे भी सरफेस हो उसके ऊपर आप करो तो क्या ये फ्रिक्शन काम करेगा, या ये उस सरफेस का जो स्मूथनेस है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन अभी हमें मिलेगा। सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, कौन कौन से फैक्टर ऐसा है जो फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। सो नाउ एक्टिविटी 12.2। तो ये एक्टिविटी 12.2 जो है, इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए एक ब्रिक, एक स्प्रिंग, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो डिवाइस आपको चाहिए होगा, ओके। तो इस एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या करना है, एक ब्रिक चाहिए, ब्रिक में कोई एक रस्सी से बांध लेने हैं ब्रिक को, बांधने के बाद ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इसको उसमें फंसा के खींचना है आपको। अब आप जब पुल कर रहे हो उसको, पुल करते वक्त जब वो ब्रिक मूव होना स्टार्ट करेगा तो उस टाइम इस पे रीडिंग आता है, ओके। रीडिंग जो है वो देख के आपको नोट डाउन कर लेना है। अब क्या करोगे, उस ब्रिक के ऊपर एक प्लास्टिक बैग जो है उसको लपेट देने हैं, ओके। अगेन आपको उसको पुल करने हैं। अब पुल करने के बाद आप देखोगे उसमें फिर से मेजर आएगा, ठीक है। तो उस मेजरमेंट को आपको लेना है। तो आप ये दोनों जो सरफेस उसका चेंज कर दिए, पहले देखो ब्रिक का जो सरफेस था वो फ्लोर के सरफेस के साथ एक फ्रिक्शन बना रहा था। नाउ अब जब प्लास्टिक पैकेट उसमें लपेट दिए हो तो उस प्लास्टिक पैकेट जो है वो और उस फ्लोर, ये दोनों के बीच में उस टाइम फ्रिक्शन काम कर रहा है। आप चाहे तो दूसरा चीजों से जैसे जूट बैग उसको कवर करके आप ये करके देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ओके। नाउ स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो स्प्रिंग बैलेंस जो है ये एक डिवाइस है। इस डिवाइस का काम क्या होता है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है उसको मेजर करता है, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल स्प्रिंग व्हिच गेट्स स्ट्रेस्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो इसमें एक कॉइल स्प्रिंग रहता है, ओके, और ये स्प्रिंग जो है ये क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है। जब इसमें कोई फोर्स अप्लाई होता है तो ये स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन अ ग्रेजुएट स्केल। तो इसमें ग्रेजुएट स्केल लगा हुआ होता है और उसमें एक पॉइंट क्या हुआ रहता है, उस पॉइंट से मेजर होता है, ओके। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो ये जो रीडिंग है ये हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, ओके। नाउ एक्टिविटी 12.3, मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। यू मे यूज अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स और बुक्स। Put a mark with a pen at any point A on the inclined plane. Now let a pencil cell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Now spread a piece of cloth over the table. Make sure that there are no wrinkles in the cloth. Try the activity again. तो इसमें आपको क्या करना है, एक wooden board लेना है, ओके, और कोई टेबल के ऊपर, कोई टेबल के ऊपर उसको इंक्लाइंड करके आपको लगाने हैं, ओके। चाहे ब्रिक के मदद से आप उसको सेट कर सकते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारा टेबल है, ओके।
आप इस टेबल पे इस तरह से आपको उसको रखने हैं और इसमें कहीं पे भी एक जगह पे आपको पॉइंट ए मार्क करना है। ओके, अब पॉइंट ए जब आप मार्क करेंगे और उस पॉइंट से आपको एक जो सेल होता है पेंसिल सेल, उस सेल को लाके यहां से छोड़ने हैं। ओके, छोड़ोगे तो ये यहां से रोल होते हुए काफी दूर तक जाएगा। अब जहां तक आ रहा है वहां पे आपको मार्क कर लेना है पॉइंट बी और इसका डिस्टेंस जो है मेजर कर लेना है। ओके, इस डिस्टेंस को मेजर करोगे कि वो कितना दूर तक आया। देन करना क्या है कि इसमें एक क्लॉथ जो है उसको बिछा देने हैं और उसको अच्छे से नीटली आपको रखना है ताकि कहीं पर रिंकल होकर ना रह जाए। ओके, फिर उस पेंसिल सेल जो है उसको यहां से छोड़ना है इस पॉइंट से। तो छोड़ेंगे तो तब देखना है कि वो कितना दूर तक जाता है, उसका मेजरमेंट लेना है फिर से और ये दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हैं। ओके, इस एक्टिविटी को आप रिपीट कीजिए, एक दो बार रिपीट करके आप देख लीजिए। ओके, तो ये जो आप एक्टिविटी करेंगे जितने बार भी रिपीट करना है कर लीजिए, लेकिन उस पर ध्यान देना है कि ये जो स्लोप है यानी कि यहाँ पे जो चीज का आप यूज कर रहे हो वो वहीं पे उतना ही हाइट का होना चाहिए। ओके, सारे एक्टिविटी के लिए जितने भी चीजें आप यहाँ पे कर रहे हो, जितने भी एक्टिविटी कर रहे हो, इसका जो हाइट है वो उतना ही रखना है। ओके, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, तो ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो सबसे कम डिस्टेंस कब कवर करेगा। Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Try to reason why. Discuss the result. तो इसमें कौन सी केसेस में जो डिस्टेंस कवर हुआ था वो सबसे कम हुआ था और क्यों हुआ था, जबकि आप एक ही हाइट से एक ही इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से आप गिरा रहे हो तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस क्यों कवर कर रहा है। ओके, ये आपको ढूंढना है। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which cell moves? तो क्या यहाँ पे वो जो सेल है वो किस सर्फिस के ऊपर से मूव कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? Obviously yes. Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? क्या वो जो सेल है उसका जो स्मूथनेस है सर्फिस का उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा? I shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the cell. अब बोजो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें ढूंढना है, तो इसलिए क्या करना है, बोजो उस सेल के ऊपर से सैंडपेपर से उस सेल को घिस देना चाहते थे। ओके, ताकि उसको घिस देंगे तो उसका स्मूथनेस जो है वो थोड़ा रफ हो जाएगा। ओके, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली दो सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, जैसे कि एक तो ये प्लेन जो है जिसके ऊपर से वो मूव कर रहा है आपका पेंसिल सेल और दूसरा पेंसिल सेल का जो सरफेस है, ये दोनों सरफेस में कितने इरेगुलरिटीज है। ओके, यानी कि कितना स्मूथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्मूथ दोनों है तो उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होना है, और अगर वो स्मूथ ना रहे उसके साथ के साथ अगर राफ हो, जितना राफ होगा उसमें फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। इवन दो सरफेसेस व्हिच अपीयर वेरी स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मिन्यूट इरेगुलरिटीज ऑन देम। तो जो सरफेस हमें देखने में बहुत ही स्मूथ लगता है उसमें भी बहुत सारा इरेगुलरिटीज होता है, बहुत छोटा छोटा सा इरेगुलरिटीज जो है बहुत सारा होता है। ओके, irregularities on the two surfaces lock into one another. अब जो दो सर्फेस में irregularities होता है वो एक दूसरे को लॉक कर लेता है। ओके, when we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. तो जब हमें कोई भी सर्फेस के ऊपर से मूव करना होता है या कोई चीज को करवाना होता है तो वो जो इंटरलॉक हो चुका होता है उसको तोड़ के हमें आगे पुश करना होता है। ओके, चाहे इसको अगर हमें पुश करके ले जाना है यहां से तो इसके नीचे का जो सरफेस है, पोडियम के नीचे का सरफेस एंड जो फ्लोर का सरफेस है, ये दोनों सरफेस में बहुत सारे इरेगुलरिटीज हैं जो कि एक दूसरे को लॉक करके रखता है। ओके, तो आपको पुश करना पड़ता है, क्लियर, पुश करके उस लॉक को तोड़ के ले जाना पड़ता है। ओके,
On rough surfaces, there are a larger number of irregularities. So the force of friction is greater if a rough surface is involved. तो जो rough surface होता है, उसमें irregularities जो है, वो काफी ज़्यादा होता है और काफी बड़ा-बड़ा होता है. Okay? तो उसलिए हमें उसको और ज़्यादा force के साथ push करना होता है, अगर हमें move कराना हो, तो clear? क्योंकि उसमें friction जो है, वो काफी greater होता है, काफी ज़्यादा होता है. We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. तो हमें क्या देखे? हम लोगों ने ये देखे कि दो सरफेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज होता है उसमें इंटरलॉक हो जाता है, जिसके चलते उसमें एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ये एक तो डिपेंड कर रहा है कि वो कितना स्मूथ है दोनों सरफेस, और दूसरा उसके ऊपर कितना चीजें, यानी कि उसका वेट कितना है. ओके, जैसे कि मैट को आप बहुत आसानी से खींच सकते हैं जब कोई उस पे ना बैठा हो, लेकिन कोई अगर उसके ऊपर बैठा हुआ हो उसके बाद अगर आप खींचो तो काफी आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हेवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंसेस गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ. व्हाट इज इजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट और टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन. तो एक एक्सपेरिमेंट पहले भी आप किए थे जिसमें आप बताया गया था कि एक बड़ा सा बॉक्स है जिसको आपको पुश करके मूव कराने हैं. ओके, तो ये एक्सपीरियंस अगर पहले से है आपको तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो अभी उसको करके आप देख सकते हैं. यहाँ पे कोई बड़ा बॉक्स अगर उसको आप अगर पुश करो तो वो स्टार्टिंग में जो है उसमें इंटरलॉक ऐसे किया हुआ रहता है, वो काफी वेट होता है, तो उसको मूव कराना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन एक बार अगर वो मूव करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत आसानी से आप उसको मूव करा सकते हो काफी दूर तक. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज अ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, तो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है उसको उस इंटरलॉकिंग को तोड़ के उसको मूव कराने हैं आपको, तो उस टाइम काफी ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ता है ताकि फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करके वो मूव कर सके, उसको आप कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. और जब एक ऑलरेडी मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसको आपको फर्दर मूव कराना होता है, तो उस टाइम थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई करके भी आप उसको मूव करा सकते हैं. ओके, इसको कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. व्हेन द बॉक्स स्टार्ट्स स्लाइडिंग द कॉन्टेक्ट पॉइंट्स on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. तो जब कोई object, जैसे कि यहाँ पे box लेके, heavy box लेके हम लोग कर रहे थे experiment, तो heavy box को अगर आप push कर रहे हो, वो already move कर रहा है, तो उसको enough time नहीं मिलता है कि उस floor का surface और उस box का surface दोनों को interlock कर सके. ये enough time उसको नहीं मिल पाता है, इसलिए आप थोड़ा सा ही push करते हो तो वो move करने लगता है. लेकिन उसको अगर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो तो वो क्या करते हैं, फ्लोर का सरफेस और उस बॉक्स के नीचे का जो सरफेस है दोनों इंटरलॉक हो जाता है, और फिर उस फोर्स जो है वो काफी बढ़ जाता है उसमें, फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड यू फाइंड इट समवॉट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड. तो आपने क्या देखे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा सा कम आप अप्लाई करके भी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड में मूव करा सकते हो, जहां कि आपका जो दूसरा फोर्स है, जैसे कि कोई एक बॉक्स अगर रेस्ट पोजीशन में है उसको अगर स्टार्टिंग से आपको मूव कराने हैं तो उसमें काफी फोर्स आपको अप्लाई ज्यादा करना पड़ता है. ओके, जहां पे स्टैटिक फोर्स की जरूरत होता है. सो नाउ फ्रिक्शन अननेसेसरी एवरीथिंग. Recall now some of your experiences. Is it easier to hold a cooler, earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is
greasy or has a thin layer of cooking oil on it? Would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? तो फ्रिक्शन जो है ये बहुत ही जरूरत का चीज है हमारे लिए। अब फ्रिक्शन जो हमें रुकावट डाल रहा है मोशन में, वो भी जरूरत का है। कैसे? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, राइट? सो ऑब्वियसली जरूरत का चीज है। ये मार्कर हम पकड़ के रखे हुए हैं, मार्कर मेरे हाथ में क्यों है? यहाँ पे तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पुल कर रहा है इस मार्कर को, बट इसको हम तभी पकड़ पा रहे हैं जबकि मेरे फिंगर के जो सरफेस है इसको टच कर रखा है, जिस सरफेस ने फिंगर का और इस मार्कर का जो सरफेस को मैंने पकड़ा, ये दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है। कौन सा? ये फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फोर्स अगर काम ना करे तो क्या इसको पकड़ के हम रख पाएंगे? नहीं, तब तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको पुल कर लेगा नीचे। जैसे कि ग्लास हम पकड़ के रखते हैं, बहुत आसानी से आप उठा के रख सकते हो दूसरी जगह पे, बट उसमें अगर ऑयली हो, ग्रीस उसमें लगा हुआ हो, तो उसको आप पकड़ते हो तो बहुत टाइम ऐसा होता है हाथ से बहुत सारी चीजें हमारा पिसल जाता है, राइट? क्यों पिसलता है? उसका रीजन नहीं है, स्लिपी होके गिर जाता है, राइट? उसका रीजन क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स उस टाइम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, फ्रिक्शन नहीं बन पाता हमारे हाथ के सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच, तभी वो स्लिप कर जाता है हाथ से। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine behind ability to work at all if there were no friction? You could not write with pen or pencil if there were no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. Would it happen if there were no friction between the chalk and the board? तो यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर वगैरह खेत में जब जोता जाता है, आप अगर देखे हो तो आप देखोगे कभी कभी ट्रैक्टर फंस जाता है, काफी गाड़ी को आप फंसते हुए देखते हो, खास करके रेनी सीजन में, राइट? तो उस टाइम क्यों फंस जाता है? चक्का जो है गोल गोल घूमने लगता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाता है, बिकॉज वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तब हम लोग जो चलते हैं, अगर फ्रिक्शन ना रहा तो क्या हम लोग चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे प्रॉपरली, ओके? जब आप पेन से पेंसिल से लिखते हैं, फ्रिक्शन के चलते वहां पे आप लिख पाते हैं। कभी प्लास्टिक पेपर के ऊपर लिखने की कोशिश करोगे, क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। मार्कर से बोर्ड पे लिख रहा है, यहाँ पे बोर्ड इतना स्मूथ लग रहा है, बट इंक फिर आ कहां से रहा है? इसके ऊपर इंक किस तरह से रह जा रहा है? इसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है, जिस फ्रिक्शन में इंक जो है वो लपेट जा रहा है उसमें, ओके? दैट्स व्हाई इट्स पॉसिबल। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टाइम टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। You could not fix a nail on the wall or tie a knot. Without friction, no building could be constructed. तो अगर friction ना होता तो कोई भी object जो है अगर move करना start कर लिया तो कभी रुकता नहीं था। कोई भी car जो है उसको उसका direction change नहीं कर पाते। कोई भी automobiles जो है उसके टायर के बीच और रोड के बीच एक फ्रिक्शन बनता है, ओके? जिससे वो डायरेक्शन चेंज होता है, उसको जब जरूरत होता है हम लोग रोक सकते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो कोई ऑब्जेक्ट ना मूव करना कर पाता ना वो रोक पाता, ओके? और कोई भी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, फ्रिक्शन इज एन एविल टू, इट वेयर्स आउट द मटेरियल्स वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज। तो फ्रिक्शन जो है इसका इतना अच्छा ही है हम देखें, लेकिन इसका बुराई भी है साथ ही साथ। कैसे? फ्रिक्शन जो है उसके चलते बहुत सारे चीजें हमारा वेस्ट भी होता है, बर्बाद भी होता है। जैसे हमारा शू का सोल जो है वो खराब हो जाता है, राइट? शू का सोल जो है खराब हो जाता है, क्यों? घिसते घिसते खराब हो जाता है, पतला सा हो जाता है, फिर एक टाइम बाद उसको फेंक देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रोड के बीच में
और रोड के जो सरफेस है उसमें और शू के नीचे का जो सरफेस है उसमें एक फ्रिक्शन वर्क करता है, जिसके लिए यू मस्ट हैव सीन वन आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. वाइग्रसली रब योर पाम्स टूगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स. हाउ डू यू फील व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस? इट कैचेस फायर. तो फ्रिक्शन जो है वो हीट को भी प्रोड्यूस करता है. ठंडी के टाइम पे हम क्या करते हैं, दोनों हाथ को इस तरह से रब करते हैं, राइट? तो रब क्यों करते हैं, थोड़ी देर अब रब करो हाथ को, देखो हाथ जो है आपको गर्म महसूस होगा. दैट मीन्स फ्रिक्शन जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है. मैच स्टिक को कोई रफ सरफेस में अगर आप घिसते हो तो वो तुरंत आग पकड़ लेता है. यू माइट हैव ऑब्जर्व that the jar of a mixture becomes hot when it is run for few minutes. तो एक मिक्सचर का जो जार होता है वो देखोगे कुछ मिनट रन करने के बाद गर्म हो जाता है. You can cite various other examples in which friction produce heat. तो इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल अगर आप ले लो जो आपके डेली लाइफ में होता है तो आप रिकॉल कर सकते हो जहां पे फ्रिक्शन के कारण हीट प्रोड्यूस हो रहा है. In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. We shall discuss the ways of minimizing friction in the following section. Okay? तो बहुत सारे machines जो है वो जब चलता है तो वो भी गर्म हो जाता है, heat produce होता है उसमें. क्यों? क्योंकि उसमें भी friction जो है वो काम करता है. अब इस friction को हम लोग किस तरह से minimize कर सकते हैं? Friction जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे तो अच्छा है, लेकिन जहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है हमारे लिए वहां पे क्या करना है, हमें फ्रिक्शन को तो थोड़ा सा कम करना है. अब उसको कम करेंगे कैसे, अभी वो बताया जाएगा. ओके, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशंस. हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शू इज ग्रूव्ड? It is done to provide the shoes better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tires of cars, trucks and bulldozers provide better grip with the ground. तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, increasing and reducing friction. Friction को किस तरह से हम लोग बढ़ा सकते हैं और किस तरह से घटा सकते हैं. तो शूज का जो सोल होता है उसका अगर आप ध्यान से देखे हो तो उसका सोल में काफी गैप वगैरह रहता है, काफी डिजाइन किया हुआ रहता है, पीछे भी नीचे भी उसके नीचे शूज के. तो शूज के नीचे कोई थोड़ी देखने जाता है, उसको तो बिल्कुल प्लेन बना सकते थे, स्मूथ बना सकते थे. लेकिन इतना रफ क्यों बनाया जाता है, उसका सरफेस डिजाइन क्यों बनाया जाता है उसमें? क्योंकि उसमें क्या होता है कि अच्छा ग्रिप बनता है. ओके, उसमें अच्छा सा ग्रिप बनता है. ये फ्लोर और या रोड जहां से आप चलते हैं उस रोड के बीच में और शूज के उस सोल के बीच में एक फ्रिक्शन काम करता है जिसके चलते आप सेफली मूव कर सकते हो. और बड़ा बड़ा जो कार होता है, फोर व्हीलर्स होता है, ट्रक का टायर आप देख सकते हैं, बुलडोजर के टायर आप देख सकते हैं, तो उसके टायर में देखोगे कितना बड़ा बड़ा जो है ग्रोव्स होता है. ओके, इसका रीजन क्या है, ताकि अच्छा सा ग्रिप बने. We deliberately increase friction by using brake pads in the brake system of bicycles and automobiles. तो bicycle automobiles में friction properly बने इसलिए हम लोग उस brake system में हम लोग क्या लगाते हैं, brake pads लगाते हैं. देखोगे bicycle जो है आपका cycle के जो brake है, brake दबाते हैं तो चक्का जो wheel है उसके साथ एक shoe मतलब एक pad जैसा एक होता है rubber का, वो चिपक जाता है व्हील के साथ और फिर आपके साइकिल को रोक देता है, राइट? व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसाइकिल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दिस पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन. तो जब आप बाइसाइकिल को चलाते हो, रन करते हो, उस टाइम उसका जो ब्रेक पैड है वो व्हील से दूर में रहता है, टच में नहीं रहता है. टच में अगर रहेगा तो हमेशा फ्रिक्शन बनेगा और आपको साइकिल चलाने में काफी दिक्कत होगा, तो उसको गैप बना के रखता है. ओके, तो उस टाइम फ्रिक्शन जो है वो उस ब्रेक पैड और
रिम के साथ नहीं बनता, लेकिन जब आप ब्रेक को प्रेस कर दिए, ब्रेक को जब आप दबाए, तो उस टाइम उस रिम पैड, रिम एंड ब्रेक पैड जो है वो दोनों के बीच में क्या होता है, चिपक जाता है, रिम को ब्रेक पैड ने पकड़ लेता है और उसमें एक फ्रिक्शन बनता है और तुरंत आपका साइकिल जो है वो रुक जाता है। द व्हील स्टॉप्स मूविंग। यू माइट हैव सीन दैट कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट्स। जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। तो ग्रिप अच्छा बनाने के लिए कबड्डी प्लेयर जो है उनको आप देखोगे कि धूल मिट्टी जो है हाथ में अच्छे से रब कर रहे हैं, क्यों, ताकि हाथ का सरफेस जो है वो स्मूथ ना रहे, पसीना वगैरह आता है उस टाइम खेलते वक्त, तो हाथ का ये जो है स्मूथ ना रहे, अच्छे से पकड़ में आए, ओके, ग्रिप बनाने के लिए। इन सम सिचुएशंस हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। तो कुछ सिचुएशन अभी बताया गया जिसमें हमें फ्रिक्शन चाहिए होता है, तो उसलिए फ्रिक्शन को किस तरह से बढ़ाया जाएगा वो बताया गया है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम कम करना चाहते हैं। Why do you sprinkle fine powder on the carambol? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinges of a door, the door moves smoothly. A bicycle and a motorcycle use grease between the moving parts of these machines. तो आप अगर कैरम कभी खेले हो तो कैरम खेलने के टाइम पे देखोगे स्मूथ पाउडर जो है कैरम बोर्ड के ऊपर से डाल दिया जाता है, क्यों, ताकि पाउडर जो है वो काफी स्मूथ होता है और उसमें फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए यूज करते हैं। या फिर दरवाजा का जो जॉइंट होता है, ओके, तो उस जॉइंट में आप देखोगे कि ऑयल डाल दिया जाता है थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है बहुत स्मूथली मूव करता है डोर। देन बाइसाइकिल का जितना जॉइंट है जहां पे मूव करता है, या ऑटोमोबाइल्स का जितना जॉइंट पार्ट से जहां से मूव करता है वो, वहां पे ग्रीस लगाया जाता है, ओके। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ऊपर के जितने भी केसेस को लेके अभी डिस्कस हुआ है, ये सारे जगह पे क्या करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए उसका एफिशिएंसी जो है उसको बढ़ाते हैं हम लोग। When oil, grease or graphite is applied between the moving part of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. तो जब भी हम लोग oil, grease, graphite ये सारे कोई machine part में apply करते हैं, जो part move करता हो, तो उसका दोनों surfaces के बीच में एक पतला सा layer बन जाता है, और उस layer बनने से क्या होता है कि उस moving part जो है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रब नहीं होता है, बीच में ये स्मूथ एक लेयर रह जाता है, ओके। इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। तो इसमें जो इंटरलॉकिंग हो रहा था दोनों सरफेस एक दूसरे के टच में आके, तो वो नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसको बंद कर दे रहा था, वो जो रफ सरफेस था उसको स्मूथ कर दे रहा है ये ऑयल पार्टिकल्स, ग्रीस। मूवमेंट बिकम्स स्मूथ। The substance which reduce friction are called lubricants. Okay? तो इसमें क्या होता है कि ये सारी चीजें अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो मूवमेंट काफी स्मूथ होता है। तो जो सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं जिससे फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है, उसको हम लोग लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट एंड एयर क्वेश्चन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो कुछ मशीन्स में ऑयल को लुब्रिकेंट्स के हिसाब से यूज करने के लिए माना किया जाता है, ओके, वहां पे जो है एयर क्वेश्चन यूज किया जाता है इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे फिगर देखो 12.13, इसमें बताया गया है कि लुब्रिकेंट जो है वो किस तरह से दो सरफेस के बीच में आके उसको स्मूथ कर देता है मूवमेंट को। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो यहाँ पे भोजो के मन में आप ये सवाल आ रहा है कि लुब्रिकेंट्स जो है उसको यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, राइट, तो क्या उसको इतना कम कर सकते कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए,
चाहे उसको हम लोग पॉलिश कर ले अच्छे से दोनों सरफेस को, या फिर हम लोग लुब्रिकेंट्स को ज़्यादा अमाउंट में यूज करके क्या फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो कर सकते हैं। अब देखो, पहले फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इररेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। तो पहले ये बता रहा है कि फ्रिक्शन को कभी भी हम लोग पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरी तरह से नहीं हटा सकते, क्योंकि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, कुछ ना कुछ इररेगुलरिटीज जो है उस सरफेस में रह जाता है। ओके, नाउ व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स, इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, व्हाई इज इट सो, लेट अस फाइंड आउट। तो कोई अटैची या दूसरा कोई लगेज कैरी करने के लिए जो बैग्स वगैरह होता है उसमें आप देखोगे छोटा सा व्हील उसमें लगा हुआ रहता है, और वो काफी बड़ा होते हुए भी बच्चे भी उसको बहुत आसानी से खींच के ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे क्यों? चलो ढूंढते हैं। एक्टिविटी 12.4, इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या कहा गया? तीन पेंसिल या पेन ले सकते हैं, उसके ऊपर एक डायरी रख के या एक बुक रख के आप उस बुक को पुश कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वो नीचे का जो पेंसिल या पेन है वो कितने रोल रोल होता है, और उसके ऊपर से बुक जो है वो बहुत आसानी से मूव कर जाता है। सिंपली आप दोनों हाथ को रब करो, देखो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, बीच में एक पेन रखो, देखो कितना आसानी से मूव कर जा रहा है, राइट, देखो कितना आसानी से हो जा रहा है, ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बट इस तरह से आप रब करोगे तो थोड़ा सा फोर्स ज्यादा आपको अप्लाई करना पड़ रहा है। When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Okay? तो यहाँ पे जब एक बॉडी का सरफेस रोल हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस जो है उसमें जो रुकावट है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसमें जो मोशन वर्क कर रहा है इसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन, तो ये जो रोलिंग है, जो घूमने वाला प्रोसेस है, ये फ्रिक्शन को थोड़ा कम कर देता है। इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। तो हमेशा आप रोल करोगे, घुमाओगे, तो वो काफी इजी होगा, उसमें फ्रिक्शन जो है काफी कम आएगा, जबकि आप उसको घीस के आप ले जाओगे। इसी मार्कर को ही आप जस्ट इस तरह से मूव कराओ, देखो फोर्स ज्यादा अप्लाई होता है, लेकिन जब आप घुमा के ले जाओगे कम फोर्स में भी वो मूव हो जाएगा। दैट इज द रीजन इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो रोलर्स होता है लगेज में लगा हुआ, यानी कि जो छोटा छोटा व्हील्स होता है, ये काफी इजी कर देता है, क्यों? क्योंकि वो रोल होते हुए जाता है तो फ्रिक्शन को काफी कम कर देता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि व्हील का जब आविष्कार हुआ था ये एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन था इंसान के लिए। उसका रीजन आपको समझ में आया? सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी कम है। ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जितना फ्रिक्शन बनता था, रोलिंग फ्रिक्शन में और भी कम फ्रिक्शन बनता है, तो इसलिए काफी मशीन्स में पहले जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था उसको चेंज करके बॉल बियरिंग लगा के उसको रोलिंग फ्रिक्शन में बदल दिया गया है। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाइसाइकल्स। तो इसका एक एग्जाम्पल आपका बाइसाइकिल का जो व्हील्स होता है उसके बीच में देखोगे बॉल बियरिंग वगैरह लगा हुआ रहता है एक्सेल के साथ। ओके, जो सीलिंग फैन होता है उसमें भी बॉल बियरिंग रहता है, तो उसमें क्या होगा कि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं होगा, बॉल बियरिंग लगाने से वो रोलिंग फ्रिक्शन होगा उसमें। ओके, सो नाउ फ्लूइड फ्रिक्शन। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, येट इट एग्जर्ट फ्रिक्शनल फोर्स
on objects moving through it. Similarly, water and other liquids exert force or friction when objects move through them. In science, the common name of gases and liquids is fluids. तो एयर जो है वो बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही पतला होता है, लेकिन फिर भी उसमें फ्रिक्शन जो है वो वर्क करता है, ओके? और इसके साथ साथ वाटर में या दूसरा कोई लिक्विड में भी जब कोई चीज आप मूव कराते हो तो उसमें भी एक फ्रिक्शन जो है वो वर्क करता है. तो लिक्विड और गैसेस जो है ये दोनों का कॉमन एक नेम जो है साइंस में इसको फ्लूइड्स के नाम से जाना जाता है. ओके, सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एग्जर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि फ्लूइड्स जो है वो भी एक फोर्स अप्लाई करता है जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर से मूव करता हो. तो इसको हम लोग कौन सी फोर्स कहेंगे? ये भी फ्रिक्शन फोर्स है. ओके, द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के द्वारा एग्जर्ट होता है उसको भी हम लोग ड्रैग कहते हैं. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड. द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड पे होता है ये किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ओके? कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पीड से जा रहा है. देन ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट जो जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट उसका शेप कैसा है. और दूसरा डिपेंड करता है कि कौन से फ्लूइड के, मतलब फ्लूइड का जो नेचर है वो किस तरह की है, कौन से फ्लूइड के अंदर से वो मूव कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है इसमें फ्रिक्शन कैसा होगा, कितना ग्रेटर फ्रिक्शन होगा. इट इज ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम. इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी. एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन. तो अब आप समझ गए हो कि फ्लूइड के अंदर से भी कोई चीज अगर मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको भी जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ओवरकम करके जाना पड़ेगा. यानी कि जैसे आप कोई भी कार को आप चला रहे हो रोड पे, तो उसको भी जिस तरह से रोड का जो सरफेस है और व्हील का जो सरफेस है उसमें एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई काम करता है, उस फोर्स को ओवरकम करके उसको आगे बढ़ना होता है. उसी तरह आप कोई फ्लूइड पे, जैसे कोई बोट अगर आप पानी में चला रहे हो, तो उस बोट को भी, बोट का जो नीचे का सरफेस है जो पानी के साथ कांटेक्ट में है, और जो पानी का सरफेस जितना उसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है उतना सरफेस का जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको ओवरकम करके, यानी कि उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करके आपको आगे बढ़ना होगा. तो यहाँ पे भी एफर्ट्स लगाया जाता है फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने के लिए. ओके, सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स. Where do you think scientists get hints for these special shapes? तो fluid में चलाने के लिए जो special एक shape दिया जाता है उस object को, उस जैसे कि आप boat अगर चला रहे हो तो boat का एक special shape है. जितने भी transport system हम लोग water में चलाते हैं वो देखोगे उसका हर किसी का एक particular shape है, एक ही जैसा shape है सब में, एक common shape. साइंटिस्ट को ये शेप दिमाग में कहां से आया, क्या बता सकते हैं? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स. कहां से आया? नेचर से आया. बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम. तो नेचर से ये आया, नेचर से वो लोग देखे कि नेचर में क्या क्या चीज है जो फ्लूइड से मूव करता हो. जैसे कि बर्ड्स हमेशा एयर में मूव करता है, जैसे कि फिश हमेशा पानी में मूव करता है. तो ये जब हमेशा मूव कर रहा है ऑब्वियसली इसका बॉडी का डिजाइन उसी तरह होगा ताकि आसानी से मूव कर सके उस फ्लूइड में. तो इसी से ये शेप दिया गया है. देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व्ड टू शेप्स व्हिच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन. तो ये फिश और बर्ड का जो बॉडी है ऑब्वियसली उस तरह से डेवलप्ड है ताकि वो फ्रिक्शनल फोर्स को मतलब काट के आगे बढ़ सके, ओवरकम करके आगे बढ़ सके और कम एनर्जी यूज करके. यू रीड अबाउट दिस शेप इन क्लास 6. लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एरोप्लेन. डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड? तो
आप एरोप्लेन का जो शेप है उसको और एक बर्ड का जो शेप है उसको अगर ध्यान से देखते हो तो ऑब्वियसली आपको दोनों में सिमिलरिटीज नजर आएगा। ऑलरेडी क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइंड टू हैव शेप्स व्हिच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो सारे के सारे व्हीकल जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन से क्या हो, वो ज्यादा असर उसमें ना पड़े, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो सके। इस तरह का शेप प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि कार जो लैंड पे मूव कर रहा है, चल रहा है रोड पे, उस पे भी एयर जो है वो आता है, राइट? एयर उसके साइड से मूव होता है, ऊपर से मूव होता है, तो उसमें भी फ्रिक्शन बनता है, तो उसको भी ओवरकम करना होता है। ओके सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो। बट यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क through WhatsApp, through calling, okay? So now, you all have to complete, you have to write down the hard words of this chapter and its meaning, as well as you have to write down the keywords also, okay? And I will send you the exercise of this chapter. So for now, bye, have a good day.